हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास एंड इन टुडे सेशन वी विल स्टडी अबाउट मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने लिखा है इसका क्या मीनिंग होता है सो डाई हाइब्रिड क्रॉस मींस द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न बट वी आर स्टार्टिंग द इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर एज एट अ सेम टाइम तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज द स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली Or you can say the inheritance study of two characters simultaneously. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते थे वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन करेक्टर यहाँ पर हमने क्या करना है दो करेक्टर की स्टडी साइमल्टेनियसली करनी है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेकिंग टू प्लांट्स तो हम ये भी देख रहे हैं कि उसकी हाइट कैसे इनहेरिट हो रही है हम ये भी देख रहे हैं कि फ्लार किस कलर का है तो अगर हम दोनों करेक्टर साइमल्टेनियसली कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस तो लेट स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल तो सपोज हमने क्या किया वी टेक अ प्लांट और द कैपिटल आर कैपिटल आर रिप्रजेंट द राउंड करेक्टर ऑफ द सेट एंड दिस इज द कलर और सपोज येल्लो है तो यहाँ जो येल्लो और राउंड है ये दोनों ही क्या है डोमिनेट करेक्टर हैं तो बिकॉज इट इज़ डोमिनेट वी रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर उसके बाद हम क्या करते हैं वी लेट्स टेक यह हमने एक प्लांट ले लिया अब इसकी हम क्रॉसिंग कराएंगे विथ अनदर प्लांट विच इज होमोजाइगस रेसेसिव ये हमारे पास क्या है होमोजाइगस रसेसिव होमोजाइगस हमने क्यों कहा क्योंकि ये हमारे पास सेम एल एल है यहां पर हम क्या लिखेंगे दिस इज होमोजाइगस डोमिनेट होमोजाइगस डोमिनेट क्यों बिकॉज राउंड कलर एज वेल एज येलो कलर इज डोमिनेंट यहाँ पर हम पी प्लांट का एग्जाम्पल ले रहे हैं और होमोजाइगस बिकॉज बोथ द एल एल आर सेम तो हमने क्या किया इन दोनों प्लांट की क्रॉसिंग कराई मीन्स ये हम क्या ले रहे हैं दीज आर पेरेंट्स अब पेरेंट्स हमने लिया तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी F1 वन जनरेशन तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके गेमेट्स बनाते हैं तो जब हम गेमेट्स बनाएंगे तो आपने मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ एल एल जैसे ये पेयर है ना एक एल एल का इसमें से एक गैमेट के अंदर एक ही एल एल जाएगा तो एक आर चला गया एंड आउट ऑफ दिस पेयर ओनली वन एल एल विल गो तो ये चला गया तो गेमेट फॉर्मेशन क्या होगी इस तरह से होगी अब क्योंकि इसमें ये दोनों आर आर और वाई वाई क्या है सेम है तो जितने भी गेमेट बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे सारे गेमेट्स में एक कैपिटल आर होगा और एक कैपिटल वाई होगा सिमिलरली यहाँ पर भी स्मॉल आर स्मॉल आर सेम है और स्मॉल वाई स्मॉल वाई सेम है तो इससे भी जितने गेमेट्स बनेंगे उसमें क्या होगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई ये हमारे गेमेट्स हो गए गे। अब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनेगा हमारे पास कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और कैपिटल वाई एन स्मॉल वाई यानी एफ़ वन जनरेशन में आपके पास जितने भी क्या आएंगे प्लांट्स आएंगे ऑल द प्लांट्स विल हैव दिस जीनोटाइप। सारे प्लांट्स का जीनो ये होगा और जितने भी प्लांट्स होंगे उसका फिनोटाइप क्या होगा सिंस कैपिटल आर दिस इज डोमिनेट राउंड कलर इज डोमिनेट ओवर द ये कौन सा है दिस इज रिंकल्ड एंड ग्रीन तो राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड तो यहां पर क्या होगा फिनोटाइप राउंड होगा और येलो और ग्रीन की जगह क्योंकि हमारे पास कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो फिनोटाइप क्या होगा कलर में येलो यानी एफ एन जनरेशन विल हैव ऑल राउंड एंड येलो सीड्स यहाँ से देखो यहाँ मेंडल ने क्या कहा था कि F1 वन जनरेशन जो होती है उसमें सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर अपीयर होता है तो यहाँ पर भी ये चीज़ प्रूफ हो रही है ये F1 वन जनरेशन है और इसमें देखो कौन सा करेक्टर अपीयर हो रहा है राउंड एंड येलो विच इज़ अ डोमिनेंट करेक्टर तो ये हो गया हमारा F1 वन जनरेशन नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द एफ टू अब जब हम F2 टू जनरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं जो F1 वन जनरेशन के प्लांट्स हैं उसी की क्या होती है सेल्फ क्रॉसिंग होती है तो यानी F1 वन जनरेशन के हमारे ये प्लांट्स थे तो इन्हीं दो प्लांट्स के बीच में हमारी क्या होगी क्रॉसिंग होगी तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स कैसे बनाएंगे दिस आर हम हमारे सारे गेमेट्स में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स एक आर होना चाहिए और एक वाई यानी कि दोनों कैरेक्टर दोनों ट्रेड का एक एक एल होना चाहिए तो इसमें देखो क्या क्या हो सकता है हमारे पास चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकते हैं कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई हो सकता है स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई हो सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई हो सकते हैं सो दीज फोर टाइप ऑफ गेमेट्स आर पॉसिबल ये इस तरह ये चार गेमेट्स पॉसिबल हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ये यहाँ से ही एक्सप्लेन होता है कि द इनहेरिटेंस ऑफ दिस करैक्टर द इनहेरिटेंस ऑफ राउंड करेक्टर विल नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ येलो करेक्टर इन एनी वे मीन्स दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ़ दिस स्मॉल आर कैन कंबाइन विद दिस कैपिटल वाई और दिस स्मॉल वाई यानी कि ये कैपिटल आर कैपिटल Y के साथ भी कनेक्ट हो सकता है स्मॉल Y के साथ भी एंड सिमिलरली स्मॉल R कैन ऑल्सो कंबाइन विथ एनी ऑफ द LL. एल सो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉटमेंट द इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर विल नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर ऑलली इसमें भी देखो हमारा जीनो टाइप क्या है सेम है तो एल एल्स हमारे क्या होंगे सेम होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर आपका आ जाएगा इसके साथ स्मॉल वाई लाइक दिस ये चार तरह के एल एल पॉसिबल हैं इसके बाद हम हमने क्या करना है पुनेट स्क्वायर बनाना है तो पुनेट स्क्वायर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा पुनेट स्क्वायर बनेगा हमारा सिक्सटीन बॉक्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई देन यू हैव ये इस तरह से ये आपने सारे गेमेट्स यहाँ पर लिख लिए और फिर आप क्या करोगे आप इस बॉक्सेस को फिल कर लेंगे कैसे करेंगे जैसे अगर ये इसके साथ कंबाइन होता है तो एक कैपिटल आ रहा है कैपिटल आ रहा है कैपिटल वाई है कैपिटल वाई है इस तरह से यहाँ पर अगर ये इसके साथ कंबाइन होता है तो एक कैपिटल स्मॉल के साथ कंबाइन हो रहा है यहाँ पर ये कंबाइन हो रहा है इस तरह से और ये कंबाइन हो रहा है इस तरह से अब मैं साथ साथ में आपको इसका फीनो भी बताती जाती हूँ यहाँ पर देखो एक कैपिटल आर है एक कैपिटल वाई तो आपने ये देखना है कि जहाँ पर भी एक भी कैपिटल आर प्रेजेंट है तो दैट इज़ अ डोमिनेंट तो उसका फिनो क्या होगा राउंड ठीक है और अगर एक भी कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो उसका फिनो क्या होगा येल्लो तो यहाँ पर जितने भी जीन होंगे ये राउंड येल्लो दिस इज ऑल्सो राउंड येल्लो राउंड येल्लो राउंड येल्लो ठीक है अब ऐसे हम क्या करते हैं जल्दी से ये जो नाइन बॉक्सेस हमारे बच्चे हैं इसके बारे में भी लिख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल कैपिटल 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 स्मॉल और ये इस तरह से अब इसमें भी हम क्या करते हैं फिनो लिख लेते हैं फिनो में अब देखो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कैपिटल और कैपिटल तो ये ये तो हो जाएगा हमारा राउंड एंड येल्लो बट यहाँ पर अब देखो दोनों आर क्या है स्मॉल है तो जब दोनों आर स्मॉल है तो राउंड तो होगा नहीं वो क्या होगा रिंकल्ड कैपिटल वाई है तो होगा येल्लो ही बट रिंकल्ड तो ये यहाँ पर हमारा फिनो क्या हो गया डिफर हो गया चेंज हो गया यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है कैपिटल आर कैपिटल वाई तो अगेन ये क्या होगा राउंड येल्लो और यहाँ पर हमारा फिनो चेंज होगा तो ये होगा रिंकल्ड एंड येलो। तो इस तरह से अभी हम आगे कर लेते हैं कैपिटल कैपिटल तो इस तरह से हमने लिख लिया अब हम थोड़ा सा जीनो भी देख लेते हैं जीनो में देखो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये दो रिंकल्ड और हमारे येल्लो आए थे अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पर भी स्मॉल आर स्मॉल आर है तो ये भी क्या होगा रिंकल्ड और ये येल्लो अब देखते हैं हमारा जीनो या फिनो और कहाँ डिफर करता है जो आपका ये वाला है ए कैपिटल वाई कैपिटल वाई तो ये भी क्या होगा राउंड येल्लो दिस इज़ ऑल्सो राउंड Yellow, राउंड येलो अब यहाँ देखो यहाँ R तो दोनों कैपिटल हैं पर Y दोनों क्या है स्मॉल है तो जब R दोनों कैपिटल हैं तो ये होगा राउंड बट राउंड के साथ क्या होगा ग्रीन और कहाँ पर ये पॉसिबल है राउंड एंड ग्रीन और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये भी स्मॉल बाय होना चाहिए स्टूडेंट्स तो ये भी क्या हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन ठीक है और ये आपका हो जाएगा दिस वन इज रिंकल्ड एंड ग्रीन तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द क्रॉस अब हम इसकी फिनोटाइप और जीनो रेशियो कर लेते हैं तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें स्टूडेंट तो फिनोटाइप क्या है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो नाइन कैसे हैं राउंड एंड येलो वन टू थ्री थ्री कैसे हैं राउंड एंड ग्रीन और थ्री है रिंकल्ड एंड येलो यानी यहां पर है हमारा राउंड ग्रीन यहां रिंकल्ड येलो और वन है हमारा रिंकल्ड एंड ग्रीन तो हमारी फिनोटिपिक रेशियो क्या बनती है नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन अगर स्टूडेंट अगर आपको इसको जीनोटिपिक रेशियो निकालना है तो जीनो में आप देखो ये भी अलग है और ये भी अलग है ऑल दो इनका फीनो सेम है बट इनका जीनो क्या है डिफरेंट है तो इस पूरे क्रॉस की जो जीनोटिपिक रेशियो आती है वो आती है वन टू वन टू फोर टू एंड वन टू वन तो ये आप याद रख सकते हो ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें यही रेशियो निकलती है क्या है जीनोटिपिक रेशियो वन टू वन टू फोर टू एन वन टू वन एक और चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है अगर हम इससे मेंडल का फर्स्ट वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंपेयर करना चाहें तो कैसे रिजल्ट निकलेगा मेंडल ने फर्स्ट क्रॉस में क्या किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन करेक्टर राइट तो अगर हम सिर्फ एक करेक्टर की यहाँ ले लेते हैं तो हम सिर्फ राउंड और रिंकल्ड की बात राउंड हाँ राउंड और रिंकल्ड की बात कर लेते हैं तो ये एक ही करेक्टर हुआ ना तो मोनोहाइब्रिड तो राउंड हमारे पास कितने हैं ये नाइन तो है ही है उसके अलावा देखो टेन इलेवन ट्वेल्व तो हमारे पास राउंड सीड्स कितने हैं ट्वेल्व और रिंकल्ड कितने हैं हमारे पास वन टू थ्री और फोर तो ट्वेल्व रेशियो फोर जिसे आप कट करके क्या आ जाएगा थ्री रेशियो वन अगर आपको याद हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी एफ टू जनरेशन में हमारी फिनोटिपिक रेशियो क्या आती है थ्री रेशो वन फिर अगर हम दूसरा भी कर लेते हैं राउंड एंड रिंकल्ड किया है अब येल्लो एंड ग्रीन भी कर लेते हैं तो येल्लो काउंट करते हैं ये नाइन तो येल्लो है उसके अलावा टेन इलेवन ट्वेल्व तो येल्लो कितने हो गए ट्वेल्व ग्रीन कितने हैं वन टू थ्री फोर तो अगेन फोर वन सा फोर थ्री सा रेशियो क्या आ गई थ्री रेशियो वन तो ये भी क्या है मेंडल के फर्स्ट लॉ से करस्पॉन्ड करता है सो दिस इज ऑल अबाउट